जिज्ञासु मित्रों बहुत बहुत अभिनंदन है आपका दिव्य सृजन में प्रत्येक दिवस की भांति आज भी लाइव चर्चा का यह कार्यक्रम शुरू हो रहा है और आज का जो महत्वपूर्ण विषय है वह है निधिध्यासन क्या है निधिध्यासन और ध्यान में अंतर क्या है ध्यान की चर्चा महर्षि पतंजलि योग शास्त्र में करते हैं बृहद चर्चा है अच्छी खासी चर्चा ध्यान के विषय में मिलती है परंतु ध्यान और ध्यान विधि की चर्चा विवेक मनी में भी आदि गुरु शंकराचार्य करते हैं ऐसी बात नहीं है लेकिन उससे पूर्व ध्यान विधि की चर्चा हम भी आपको करेंगे जो विवेक मनी में हुई है अभी आगे आने वाला है वो विषय तो उसमें होगा परंतु एक, एक शब्द है निधिध्यासन निधिध्यासन क्या है और निधिध्यासन और ध्यान में अंतर क्या है थोड़ा सा हम इस विषय को आज समझने का प्रयास करेंगे निधि ध्यासन और ध्यान में अंतर क्या दोनों एक ही चीज है या अलग अलग चीज है सच पूछिए तो क्रिया रूप में प्रैक्टिकल रूप में तो दोनों एक ही है परंतु शब्दार्थ में थोड़ा सा फर्क आता है कॉन्सेप्ट मोटा मोटी दोनों का एक है निधिध्यासन क्या है आपको किसी ने पूछा भी था भी प्रश्न कमेंट करके भी किया था कि निधिध्यासन के बारे में बताए निधिध्यासन क्या है तो बृहदारण्यक उपनिषद में महर्षि यागवल के कहते हैं आत्मा वा अरे आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मनतव्यो निधि ध्यासव्य आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मनंतव्यो निधि ध्यासव्य ऐसे कहा गया है इसका मतलब वह जो आत्मा है वही देखने योग्य है दृष्टव्यो श्रोतव्यो सुनने योग्य है मनन करने योग्य है मनतव्यो निधि ध्यासव्यो और साथ में ध्यान कर निधि ध्यास मतलब निधि ध्यास नित्य और ध्यान नित्य ध्यान करने योग्य है नित्य उसमें लगे रहने के लिए लगे रहना जरूरी है नित्य अपने चित्त को उसमें लगाए रखना जरूरी है नहीं तो चित्त पर दूसरी चीजें हावी हो जाएंगे पहले भी हमने चर्चा में सुन लिया विवेक चुड़ामणि की चर्चा अगर आप रेगुलर सुन रहे हैं तो पहले भी आपने इस विषय को सुना हो तो निध्यासन क्या है निध वह आत्मा ही द्रष्टव्यो देखने योग्य वह आत्मा ही श्रोतव्य सुनने योग्य वह आत्मा ही मनन करने योग्य और वही आत्मा ध्यान करने योग्य है उसी का ध्यान होना चाहिए उस आत्मा का ही ध्यान होना चाहिए ऐसा समझाने का प्रयास यागवल्क ऋषि याग्वल्क बृहद आरण्य उपनिषद में करते हैं तो अब यहाँ विवेक मणि में इसी चीज को निधिध्यासन को बताया जा रहा है निधि का अर्थ और निधि का महत्व तो बताया जा रहा है निध्यासन वास्तव में क्या है कि किसी एक भाव में अपने चित्त को रखना क्या यह भावातीत अवस्था है जी नहीं भावतीत नहीं है किसी एक भाव में ही अपने चित्त को रखना परमात्मा भाव में ही अपने चित्त को बनाए रखना ऐसा प्रयास करना ही नित्य ध्यास है निरंतर बनाए रखना नित्य यहां पर नित्य शब्द पहले well लगा हुआ है और अध्यासन अध्यास भी लगा हुआ है मतलब लगाना वहां पर किसी जगह पर हमें लगा कर रखना तो अपने चित्त को हमेशा एक ही भाव में रखना एक ही भाव वृत्ति में रहना परमात्म वृत्ति में रहना दूसरे भावों को ना आने देना यह निधिध्यासन है अगर हम ध्यान की परिभाषा समझें तो ध्यान के ऊपर वीडियो भी पहले बन चुका है आपने कई लोगों ने उसे देखा भी होगा आप भी जरूर देखें उसे तो महर्षि पतंजलि ध्यान के लिए एक वृत्ति कहते हैं कि वह अवस्था योगी की वह अवस्था जिसमें एक ही वृत्ति उठती रहती है दूसरी कोई वृत्ति उसमें प्रवेश नहीं करती वह एक वृत्ति रूप हो जाता है दूसरा कोई वृत्ति उसके अंदर नहीं रह जाती है एक वृत्ति उसी की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होकर चलती रहती है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई होती है और उसी फ्रीक्वेंसी में साधक रहता है एक ही वृत्ति में और उसी समय बहुत सारी सिद्धियां भी योगी के अंदर आ जाती हैं क्योंकि उसकी एकाग्रता सिद्ध हो जाती है वो एक ही वृत्ति रहता है वो वह एक ही वृत्ति रहता है ठीक है तो यह एक वृत्ति रहना जो है यह ध्यान है यह एक वृत्ति रहना ही निध्यासन है एक भाव में रहना ही ध्यान और एक भाव तो निध्यासन का का अर्थ शब्द से अर्थ लेंगे कि तो नित्य अध्यास में नित्य ध्यास में रहना अर्थात नित्य ध्यान में ही रहना नित्य एक ही भाव में रहना नित्य शब्द इसमें जुड़ गया है और ध्यान मतलब एक ही भाव हो जाना ही ध्यान है ऐसे महर्षि पतंजलि ने समझाया तो एक ही भाव अवस्था में रहना दूसरी कोई भावना का प्रवेश ना हो एक ही भाव अवस्था बनी रहे तो ध्यान होता है और निधिध्यासन होता है ठीक है तो अर्थ शब्दार्थ का हल्का सा फर्क होता है निधिध्यासन और ध्यान में नहीं तो दोनों एक ही विषय है निधिध्यासन और ध्यान तो अब याग्वल्क ऋषि ने तो वहां पर कहा आत्मा वाह अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधि इस प्रकार से उन्होंने लिखा कि आत्मा ही सुनने योग दर्शन सुनने योग दर्शन करने योग्य और आत्मा ही मनन करने और ध्यान करने योग्य है लेकिन अब आदि गुरु शंकराचार्य यहाँ पर इस विषय में कुछ अलग बात करते हैं ऐसा नहीं कि वो बात गलत है कि आत्मा ही दृष्टव्य स्रोतव्य वही बात है परंतु इसमें वो श्रेष्ठता बताते हैं कि कौन सा श्रेष्ठ है कौन कौन सा दर्शन श्रवण मनन और ध्यान निदिध्यासन चार क्रियाएं यहां बताई जा रही हैं आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मनतव्यो और निधिध्यासव्य इन चारों में श्रेष्ठ कौन है उस आत्मा का ही दर्शन श्र, श्रवण मनन और निधि ध्यान नित्य ध्यान करना उस, उसी उसके ध्यान में रहना इन चारों में श्रेष्ठ कौन है तो इसी को आदि गुरु शंकराचार्य इसकी श्रेष्ठता बताते हुए कहते हैं श्रुते शतगुण इसके पहले हमने सुना कि समाधि में ग्रंथियों का नाश हो जाता है और ग्रंथियों का वासनाओं की ग्रंथियां जब नष्ट हो जाती हैं तो संपूर्ण कर्मों का भी नाश हो जाता है और योगी निर्विकल्प समाधि में स्थित हो जाता है निर्विकल्प अवस्था में चला जाता है इसके आगे कहते हैं श्रुते शत गुणम विधान मनन मननम मननादपि निधिध्यास निधिध्यास लक्ष्य गुण मनंतम निर्विकल्पकम निर्विकल्पकम्, श्रुते शतगुणम विध्यान मननम मननादपि निधिध्यास लक्ष्य गुण मनंतम वेदांत के श्रवण मात्र से वेदांत के श्रवण मात्र से उसका मनन करना सौ गुना अच्छा है श्रुते सत्गुण विद्यान मननम मननादपि। श्रुते शतगुण मतलब कि सौ गुना वेदांत के श्रवण मात्र से मनन करना सौ गुना अच्छा है और मनन से भी लाख गुना श्रेयस्कर है निध्यासन कि आप उसको दर्शन और मनन यह तो इंद्रिय कर्म हो गया ना इंद्रियों के कारण होगा ही दर्शन और श्रवण ये दोनों इंद्रिय कारण है इंद्रिया सूक्ष्म शरीर का अंग है इसलिए वो बाहर भी देखती हैं और कई बार भीतर भी हमें अनुभूतियां कराती हैं ठीक है तो दर्शन और श्रवण जो है उससे बेहतर है कि आप वेदांत का मनन करें और मनन करने से लाख गुना लक्ष्य गुण मनंतम निध्यासम लक्ष्य गुण मनंतम निर्विकल्पकम साफ लिखा गया है लाख गुना निध्यासम लक्ष्य गुण मनंतम निर्विकल्पकम कि मनन करने से दर्शन और श्रवण से तो सौ गुना बेहतर है मनन करना और मनन करने से लाख गुना बेहतर है निध्यासन करना आत्मभावना को अपने चित्त में स्थिर करना अपने चित्त को परमात्म भाव में निरंतर नित्य लगाकर रखना यानी कि थोड़ा सा लगाया फिर उधर चले गया फिर थोड़ा सा लगाया फिर माया में घूमने लगा फिर वासनाओं में घूमने लगा ऐसे नहीं होता नित्य ही अपने मन को परमात्म भाव में स्थिर रखना यही निध्यासन है ठीक है तो निध्यासन से भी अब अब यहां पर कहा जा रहा है निध से भी अनंत लक्ष्य गुण तो निधिध्यासन है लेकिन लक्ष्य गुण मनंतम अनंत गुना निधिध्यासन से भी अनंत गुना श्रेष्ठ है निर्विकल्प समाधि निर्विकल्पकम लक्ष्य गुण मनंतम निर्विकल्पकम निध्यासन से भी अनंत गुना बेहतर है निर्विकल्प समाधि वो अवस्था प्राप्त होनी चाहिए लेकिन प्रारंभ तो द्रष्टव्यों और श्रोतव्यों से ही होना है ना पहले आत्मा के बारे में सुनोगे कुछ पढ़ोगे कुछ जानोगे तो आत्मा के बारे में चर्चा तो यहीं से शुरू होगी लेकिन फिर मनन करोगे मनन करना सौ गुना बेहतर है और लाख गुना बेहतर है निधिध्यासन करना और निधिध्यासन का ही परिणाम होगा निर्विकल्प समाधि जो कि अनंत गुना श्रेष्ठ है जो कि अनंत गुना श्रेष्ठ है या निर्विकल्प समाधि इस प्रकार से निर्विकल्प समाधि का ही रहस्य बता रहे तो ये बता रहे कि निर्विकल्प समाधि कैसे आएगी क्या वेदांत तो के श्रवण मात्र से आ जाएगी क्या मात्र जो है दर्शन मात्र से आ जाएगी क्या मात्र मनन से आ जाएगी और क्या मात्र निधिध्यासन से तो निधिध्यासन परिपक्व होकर भावना जब एक ही भाव अवस्था में योगी चला जाता है उसका चित्त एक ही भाव में तरंगित होता रहता है एक भाव के अलावा दूसरा किसी भाव को प्रवेश नहीं मिलता है और उसी भाव में लगा रहता है तो वह ध्यान की अवस्था हो जाती है वह निदिध्यासन हो जाता है और उसी की परिपक्वता से ध्यान की परिपक्वता से ही समाधि घटित होती है समाधि प्राप्त होती है तो यह निदिध्यासन का रहस्य है कि निदिध्यासन और ध्यान एक ही विषय है और इसी से निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति होती है निर्विकल्प समाधिना स्फुटम ब्रह्मतत्वम वगमयते ध्रुवम नान्यथा चलतया मनोगतेह निर्विकल्प समाधि के द्वारा निश्चय ही ब्रह्म तत्व का स्पष्ट ज्ञान होता है निर्विकल्प समाधि के द्वारा ही निश्चय ही ब्रह्म तत्व का स्पष्ट ज्ञान होता है और किसी प्रकार वैसा बोध नहीं हो सकता ब्रह्म का जो ज्ञान है जो ब्रह्म ज्ञान है वह निर्विकल्प समाधि से होता है अन्यथा और भी किसी प्रकार से नहीं हो सकता क्योंकि अन्य अवस्थाओं में चित्त वृत्ति के चंचल रहने से उसमें अनान्य प्रतीतियों का भी मेल रहता है ठीक है इस विषय को और बढ़िया से हम आगे सुनेंगे ब्रह्मज्ञान का विषय है ये, तो इसको हमें समझना है यह निध्यासन अपने भावनाओं को अपने चित्त को एक ही भाव में अथवा आत्मभाव में ही लगा के रखना यह निध्यासन है ठीक है ध्यान भी यही है एक ही भाव अवस्था में रहना ही ध्यान है ठीक जिज्ञासु आज निधिध्यासन का ही विषय हमने लिया था इसीलिए आज की चर्चा निधिध्यासन की चर्चा के साथ ही समाप्त करेंगे आप वीडियो देखें कमेंट करें प्रश्न करें अभी कुछ दिनों के लिए इसी प्रकार से थोड़ा चलेगा आपको फिर पूर्व की भांति लाइव सेशन जो चलता था लाइव चर्चा चलती थी वह भी शुरू हो जाएगी जैसे पहले चलती थी लेकिन फिलहाल कुछ दिनों के लिए इसी प्रकार से चलने वाला है तो चलिए इसी के साथ अभी विराम लेते हैं विदा लेते हैं आप सभी से कल फिर नौ बजे लाइव चर्चा में हम सब मिलेंगे और नई आध्यात्मिक चर्चा को लेकर नए विषय को लेकर विवेक चुड़ामणि के अंतर्गत जो नवीन नूतन विषय होगा उसको लेकर आएंगे और उस पर चर्चा करेंगे तो बहुत बहुत आभार आप सभी का दिव्य सृजन में अभिनंदन है जुड़ें और जैसा कि आपको विदित है चौदह जनवरी से चौदह जनवरी से ध्यान योग का भी कोर्स शुरू हो रहा है और प्राकृतिक चिकित्सा का भी तो आप ज्वाइन करें और ज्वाइन कर कर इसका पूरा पूरा लाभ उठाएं बहुत बहुत आभार आप सभी का